पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर प्रदेश भर में सपा कांग्रेस शिवपाल की पार्टी के साथ किसान संगठनों द्वारा कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ। कृषि कानून के विरोध में किसानों के पक्ष में खुलकर आने वाली समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। किसानों के मसीहा माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन किसान दिवस के रूप में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन होगा। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन का जोर ग्रामीण क्षेत्रों में रहेगा तथा लखनऊ में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदर्शन होगा एवं कांग्रेस और शिवपाल यादव की पार्टी भी प्रदर्शन करेगी। शहर एवं जिला इकाइयों पर भी प्रदर्शन होने की संभावना है। देखिए, आज हम इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के महान किसान नेता, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। हर वर्षों की बात, समाजवादी पार्टी के नेता इस दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और देश की सरकार द्वारा जो किसानों को प्रताड़ित करने के लिए, किसानों को परेशान करने के लिए जो काले कानून आए उन पर भी चर्चा करते हैं। किसान बेहद दुखी है। किसान पूरे देश का, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली के आसपास लाखों की तादाद में किसान आज बैठे हुए हैं, इस ठंड में बैठे हुए हैं, याचना कर रहे हैं कि भाई ये किसान हित के बिल नहीं हैं, इनको वापस लो। और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी ने और राज्यसभा के अंदर माननीय प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा था जब ये किसान बिल आए थे कि इन पर चर्चा कराओ, चर्चा से लोकतंत्र में सही बात आती है। लेकिन बीजेपी ने बिना चर्चा कराए बहुमत की बात कह करके बिल पास कर दिया। अब वो जनता के हित का नहीं है, जनता परेशान है, किसान परेशान है। अब सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोग परेशान हैं कि हम ये गलत कानून ले आए, जनता इस पर उबाल मार रही है, जनता दुखी है, जनता याचना कर रही है। लोकतंत्र में जो मौलिक अधिकार है, धरना प्रदर्शन कर रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर धरना प्रदर्शन करते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार उनको दबाने का काम करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के बहादुर साथी किसी कीमत पर दबने वाले नहीं हैं और इस सरकार को जाना होगा और किसानों के हित में जो भी सरकार काम करेगी वही सरकार में आएगी। आज आप एक अभियान चालू कर रहे हैं, गांव-गांव जाके किसानों से मिलके कौन सा अभियान आप चालू करने आए? हमारा अभियान 7 दिसंबर से लगातार चल रहा है। हम किसानों के हित की बात, किसानों के ऊपर किए गए कुठाराघात को लेकर गांव-गांव जनता के बीच में, किसानों के बीच में बात कर रहे हैं। गांव में बेहद किसान परेशान है, धान के किसान परेशान हैं। इस समय MSP की बात चल रही, न्यूनतम समर्थन प्राइस की बात चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में धान के किसान बेहद दुखी हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा तो घोषित है 1868 रुपया, लेकिन किसान को वो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा, क्योंकि जितने भी क्रय केंद्र हैं उनमें भाजपा के बिचौलिए पूरा मजा ले रहे हैं। 1100-1100 रुपये वाला धान खरीद लेते हैं, 1800 में सप्लाई कर देते हैं, 50-50 उनका काम चल रहा है। ये बात पूरे मीडिया के लोग कहते हैं, पूरे मीडिया से पूरे प्रदेश के किसी भी जनपद में आप जाइए, भारी भ्रष्टाचार क्रय केंद्रों में है। हमारी मांग है कि अगर MSP 1868 है तो हर किसान को धान 1868 में लिया जाए। क्यों नहीं लिया जा रहा? किसानों को, गन्ने के किसानों को कहा जा रहा है कि आपका MSP ये है, लेकिन गन्ना का किसान का MSP नहीं मिल रही है। गन्ना का किसान तो जब सप्लाई करता है अपना गन्ना, उसका मूल्य नहीं मिला। 18,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, लेकिन बीजेपी सरकार उनके ऊपर लाठी चला रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, उनके ऊपर पानी की बौछार कर रही है। इतनी ठंड में देश के किसान भारत सरकार से मांग करते हैं, लेकिन भारत सरकार पूंजीवाद की पोषक है। पूंजीपतियों के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी ये कॉरपोरेट जो लाए हैं कानून, ये काले कानून को समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर भारत में लागू नहीं होने देगी। अध्यक्ष जी, ये बताइए, जो 25 तारीख को अभी आपका कार्यक्रम होने वाला है, ये कहाँ कहाँ, हर गांव में और लखनऊ में, बाकी राज्यों में? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 25 तारीख से हर गांव में अलाव लगा करके, समाजवादी घेरा बना करके, चौपाल लगा करके किसानों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनको किसानों के जो बिल आए हैं उनकी खामियां, उनकी गलतियां, उनकी तरीके को बताएंगे कि बीजेपी किस तरीके से कॉरपोरेट को, पूंजीवाद को बढ़ा रही है। ये किसानों के बीच में समाजवादी पार्टी 25 तारीख से पुनः अभियान चालू करने जा रही है। चलिए, धन्यवाद आप सबको किसान।